कुंडली जरा बहन को मत पूछने दे दीजिए। हाँ, इस पर एक बात है कि एक मरतबा शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी से पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया तत्क्षण, लेकिन जागरूक करने वाला भी चाहिए अधिकारी और लेने वाला, ये उसमें कंडीशन है। करने के बाद कितना समय लगता है इस चीज के लिए? डिजीज ठीक करने में उसका कोई टाइम नहीं होगा ना? आप क्या कह सकते हैं कि ये फूल कितने मिनट बाद आएगी? जीवन का चीज है ना, किसी को तो उसी वक्त ठीक हो जाते, मैंने बताया ना कि लोग बैठे बैठे ठीक हो गए और किसी से गुजारा नहीं हुआ, ये बात है। जैसे कभी जी ने कहा सैया निकल गए मैं प्राण के लिए निकल गए मैं सारे योगी, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग आज भी लेकर के वहां को एक साल मारने वाले हैं और बैठे हैं 20 साल हो गए। एक सेकंड, आज्ञा चक्र पे इसमें मतलब अगर लाइट देखी हो किसी ने, क्या ये शो करता है कि पहली स्टेज क्रॉस कर ली है? नहीं, बिल्कुल आज्ञा पर अगर लाइट देखी है तो शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आपको लाइट होना है, अगर लाइट देखती तो मैं लाइट नहीं कोई बात नहीं, देखियो तो देखियो उसको तब ठीक कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करा, लेकिन इसलिए कोई शंका नहीं रखी आप मन में। अच्छा, भूत प्रेत पुनर्जन्म का कुंडली के साथ क्या संबंध? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कुंडली तक पहुंचने तक गुरु बैठा हुआ है, नाक को आपके मस्तक जोड़ा है, और मन में कितने विचार आते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता होती है, घर की परिवार की आपका प्रश्न जो है मस्तक को उन विचारों को विद्रोह करने के लिए ताकि कुंडली तक पहुंच सके और वो कामयाबी ले सके, उसके लिए कोई उपाय? देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो प्रश्न है उसको ठीक करने के लायक समर्थ हो। प्रश्न पहले नाम के हो जाते हैं, प्रश्न कहां से आते हैं? पहले तो प्रश्न आते हैं हमारे अंदर कि हम किसी चीज को देख करके उसको विचार करते हैं। भाई साहब, क्या पूछ रहे? कोई भी चीज देखे, अब ये कैमरा देखा, या बैठा हो कैमरा वाला, तो वो यही सोचेगा कि ये कैमरा कितने में आया, इसको कोई क्यों होगा, सोचेगा कैसे में चोरी कर लो, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। या अगर यहाँ इतने सुंदर फूल की शक्ल कोई आएगा तो वो सोचेगा कोई ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कोई कुछ कहेगा कुछ, लेकिन अगर कोई आत्म साक्षात्कार तो वो इसे देखेगा और सोचेगा निरंजन, वो सोचेगा नहीं और देखेगा, और उसका देखना ही मात्र बहुत है, क्योंकि उस देखने में इसमें जो कुछ भी आनंद उन्होंने बनाने वक्त या उस वक्त करते वक्त जो उसमें आनंद डाला है उसी को पूरा बात करो, एकदम से रिलैक्स हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक आप उस प्रॉब्लम में घुले हुए हैं आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप पानी में हैं तो आप डूब रहे हैं,
आपको लहरों से डर लग रहा है, अगर आप पानी से बाहर आके बोट में खड़े तो आप लहरों को देख रहे हैं, तो डर नहीं लगता और आप जानते हैं कैसे की करना है। अगर आप तैराक हो जाए तो आप बचा भी सकते हैं लोगों में। ऐसी मैं सफेद रोग से पीड़ित हूँ, वहाँ इलाज किया ठीक नहीं हो पाया, सहज योग से ठीक हो जाऊंगा। कितना समय लग जाएगा अगर मैं किसी को, तो बहुत थोड़े दिन में हुआ था, लेकिन हमारे नंबर को भी हो गया था उनको डरमा, उनका भी ठीक हो गया है, एक डेढ़ महीने में उनका ठीक हो गया। किसी का होता है किसी का नहीं होता, पर ये कोई रोग नहीं है, लीवर की तरफ से होता है। असलियत में लीवर पहले ठीक हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है लीवर, और लीवर सहयोग में ही ठीक हो सकता है। लीवर सबसे अच्छा करना ही सहयोग का बड़ा प्रमुख कार्य है। क्या प्रश्न पूछा आपने? किसी का अनुभव तो आप लेने के लिए बैठे हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके बारे में साधु को बैठी अभी देखते हैं, ये सबसे अच्छा सवाल बहुत बड़ा अंतर योगी क्रिया वाले आपके टांगे को होना पसंद। असल में प्राण जो है राइट साइड में होता है, आदमी राइट साइड में, लेकिन ये नहीं कि हम योग क्रिया नहीं करते, अगर कभी जरूरत हो तो सेंटर पार्ट पकड़ाती है तो एक योग क्रिया है, पर उसको साइंटिफिकली करते हैं, उस वक्त जो आपको तकलीफ हो वो करते हैं। ये नहीं कि अभी परसों हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि 5 फुट अपने दो पैर करिए, बताइए वैसे 5 फुट करने में ही आपकी टांगे टूट जाए और उसके बाद आप टेढ़े हो जाइए और फिर ऐसे हो जाइए। इतने लोग धंधे करने वाले टेलीविजन में दिखाने के लिए इस तरह के रेमेडी चीजें दिखाते हैं, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्या है कि आपको कौन सी शिकायत है, आपको कौन सा चक्र पकड़ा, उसका अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्व करिए। और योगिक क्रिया वगैरह जो दिखा रहे हैं बिल्कुल बेकार है। अब यह है कि आप दौड़िए सवेरे से, क्या करें जॉगिंग पागल जैसे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आप दौड़ते कोई जरूरत दौड़, आप ऐसा ही सर्वसाधारण एक जो एक्सरसाइज होता है चलने फिरने का ये सब कर, उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कोई बैलेंस ही नहीं। तो जो चीज जरूरी है वो जरूर आप करें, जैसे कि सारी दवा की पूरी पूरी पिटारी आप ले लीजिए, उसी तरह की बात है आज करते योगी कार्य समझ नहीं आता, और जो देखते वही लोग करने लग जाते। अगर सोचे सब अरे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को क्या है, उसकी प्रकृति देखो, लगे सब दौड़। हाँ जी क्या आपके जाने के बाद भी वही कुंडलनी विचारों का एक्सपीरियंस होगा जो आपके प्रेजेंस में होगा? बिल्कुल होगा, मुझे संपूर्ण पहले की शक्ति है। कारण यह कि आप कलेक्टिव में नहीं आते, कलेक्टिव में आते, क्योंकि देखिए ये शरीर है इसका अगर एक नाखून है, ये अगर बाहर निकल जाए ये तो नहीं बढ़ेगा ना, आपको कलेक्टिव में रहना चाहिए। फिर ये पॉइंट मैंने कहना चाहिए कि ये किया कलेक्टिव है, ये नहीं कि आप एकांत में बैठे। आप पहले जमाने का तो आप जानते थे कि आप पहले एकांत में जाइए, फिर आप हिमालय पे जाइए, फिर वहाँ अपने कपड़े उतार के ठंड में ठुठुराए, फिर वहाँ ये में जाके बैठिए। एक आदमी इंडिविजुअल के लिए होता था क्योंकि आप, ये नहीं, ये सबके लिए, और कलेक्टिव में आना चाहिए। अगर आप कलेक्टिव में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।